what I really wanted. But looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. But nothing makes sense anymore. दुबई में ना ये वाले पूल जो है ना पूरा वैसे रेड हो रखा है चारों तरफ, बहुत सुंदर लग रहा है ना? ये वाले ना? हाँ ये वाले। ये क्या? कृष्णचूड़ा। कृष्णचूड़ा ये जब गिरता है ना पूरे रोड के साइड में, हाँ हाँ, तो थोड़ी देर बाद जब वो गिरेगा तो मस्त है, पूरा रोड ऐसे रेड 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 दिखेंगे, अच्छा लगता है। हाँ। पूरे चारों तरफ भरे जहाँ पे गलत आ गया क्या? नहीं नहीं सीधा सही है, सही है। भाई साहब, गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? बड़े आए, सुबह जीत गए थे हनी बनी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए और गाड़ी की बैटरी यार, गाड़ी पता नहीं नॉर्मली क्या होता है, गाड़ी की बैटरी खराब होने से पहले ना एक बार जब स्टार्ट कर दो बार करके थोड़ा डिले स्टार्ट होती है तो समझ में आता है कि भैया बैटरी चेंज कराना है, टाइम आ गया है। खड़ाक से स्टार्ट हुई गया, वहाँ से वापस आया तो वापस खड़ाक से बंद होगी तो समझ में ही नहीं आया मुझे। और फिर एक भाई बड़ी मुश्किल से एक बंदा मिला, वो अफ्रीका से थे, वो भी उनका भी बच्चा भी है 1C में पढ़ता है, तो बातचीत हुई तो मैंने बोला ब्रो आ है आपके पास, तो उसने भाई ने पूरा लगाया, फिर बोला रो वेट स्टार्ट नहीं हुई फिर भी, तो भाई बड़ा बड़ा पेशेंट बंदा था, बैठा बोला वेट, फिर अपनी गाड़ी में बैठा AC चला के थोड़ी देर बैठो थोड़ी देर चार्ज होने, पता नहीं भाई बहुत बार करने के बाद भी जब नहीं हुआ तो फिर जाके मैंने बुलाया अपने रोड साइड असिस्टेंस वाले को, वो भी आ गया फटाफट, उसने कर दिया 2 मिनट में स्टार्ट, तो लगता है बैटरी बिल्कुल गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी वारंटी में थी, भैया पैसे बच गए आज और बैटरी लग गई फ्री। तो 1 साल का रहता है वारंटी। हाँ तो गाइस इसलिए बैटरी का हमेशा वारंटी कार्ड अपने पास संभाल के रखिए, किस्मत हुई तो फ्री बैटरी जरूर मिलती है जैसे आज मुझे। यहाँ पे इतनी गर्मी होती है ना, मतलब बैटरी ना 2 साल से ज्यादा चलता भी नहीं है, है ना? डेढ़ मतलब एक ही बार चला था तो 2 साल, वरना 1.5 साल इज एन एवरेज। तो चलिए गाइस हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी फेस्टिवल सिटी, यहाँ पे थोड़ा कुछ काम है उसके बाद चलते हैं घर। जय 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 बजरंग बली, ये देखिए हमारे सिम्बा बजरंग बली बन गए, गदा पकड़ के बजरंग बली के भक्त बन गए। जय श्री राम, हर हर महादेव। बजरंग बली कपि श्रेष्ठ है, ये बिल्ली श्रेष्ठ है। कितना मस्त लग रहा है। गुड इवनिंग गाइस, तो बस मैं आ गई हूँ किचन में अभी डिनर बनाने के लिए। एक्चुअली सुबह मैं गई थी सुपरमार्केट चिकन लेने के लिए, क्योंकि हनी बनी को मैंने पूछा था सुबह स्कूल जाते टाइम कि क्या खाओगे लंच में, तो उन्होंने बोला था कि चिकन खाना है, काफी टाइम भी हो गया था घर पे चिकन नहीं बना था। ऐसे हम लोग वीकेंड्स को बाहर जाते या किसी के घर में ऐसे पार्टी वगैरह होता तो वहां पे खा लेते हैं, तो वीकडेज में मोस्टली 5 दिन वेज ही बनाती हूँ मैं, एंड अगर नॉन वेज बनता है तो फिश ही बनता है, फिश या अंडा ऐसे बनता है। चिकन काफी टाइम हो गया नहीं बना था, बीच में एक बार बस मटन बना था, चिकन नहीं बना था। तो हनी बनी को बहुत पसंद है चिकन, फिश बहुत पसंद है, तो आज उन्होंने बोला था चिकन खाने के लिए तो चिकन लेके आई थी। बट आने के बाद हम लोग को फेस्टिवल सिटी चले गए थे तो आते आते लेट हो गया, इनका जल्दी भी स्कूल छुट्टी हो जाता है तो लंच में और बना नहीं पाई थी मैं, तो लंच में हमने बस रोटी भाजी ऐसे ही खा लिया था। तो अभी मैं बनाऊंगी, मैंने सोचा था कि वही जो जैसे मैं उड़ीसा स्टाइल बनाती हूँ ना सब कुछ मिक्स करके बना दूंगी वैसा, बट मुझे सुपरमार्केट में ये वाला शान का अचारी गोश्त मसाला दिखा, वैसे भी शान के सारे मसाले मुझे बहुत पसंद है, एंड ये अचारी गोश्त की रेसिपी ना मैंने बहुत बार यूट्यूब में देखी है कि लोग खाली यही मसाला यूज करके बनाते हैं, अच्छा बनता है ऐसा बोलते हैं, मैंने कभी यूज नहीं किया है तो पहली बार मैं इसको ट्राई करूंगी। अचारी गोश्त है बट मैं चिकन के साथ में बनाऊंगी, इसके पीछे रेसिपी भी लिखी गई है तो यही रेसिपी फॉलो करके मैं बनाऊंगी, एंड ये रेसिपी फ्रेंच उर्दू हिंदी बांग्ला 4 लैंग्वेज में दी गई है, तो देखते हैं कैसा क्या बनता है, कि हमारा जो देसी स्टाइल है सब कुछ मिक्स करके बनाना वो ज्यादा अच्छा है कि ये कैसा बनता है ये ट्राई करते हैं। सूखा सा ही बनेगा ये, तो हम लोग रोटी के साथ में खा लेंगे। हनी बनी का थोड़ा सा चावल बना लो, उन्होंने दोपहर को रोटी खाया था, मतलब हम जीत और मुझे से हम लोग ओडिशा से हमें दिन में 1 टाइम चावल तो चाहिए ही होता है,
बट फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते कभी कभी दो बार रोटी खा के, बट हनी बनी को तो चावल बहुत पसंद है। मतलब टिपिकल जो ओडिया खाना होता है ना, पोखाड़ा चावल, मतलब फिश करी, रोहू फिश करी, चिकन करी पतला सा झोल वाला, सब उनको बहुत पसंद है। तो उनके लिए चावल बना दूंगी, हमारे लिए रोटी। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं ये वाली रेसिपी, पहली बार ट्राई करूँ कैसा बनता है, देखते हैं। सो यहाँ पे लिया है मैंने करीब 800-900 ग्राम चिकन है ये, तो इसमें ये जो पूरा पैकेट है ना, इसका मैं आधा ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। बापरे, इसमें तो सब कुछ ही अचार ही मसाला, जैसा देखिए कलौंजी है, सौंफ वगैरह ये सब है। तो ये करीब दो आधा पैकेट जो है अभी मैं ऐड कर दूंगी, एंड आधा हम लोग बनाते टाइम ऐड करेंगे। तो ये ऐड कर दिया है करीब आधा पैकेट। नमक वगैरह कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं बोला है, पता नहीं शायद इस मसाले में नमक हो, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बनाने के बाद थोड़ा सा चखूंगी, अगर मुझे लगा तो फिर मैं नमक बाद में ऐड करूंगी। देन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये फेंटी हुई दही, ऐड किया है मैंने करीब एक कप। इसमें ये मसाले के साथ में दही भी बोला है उन्होंने, नींबू भी बोला है, एंड टमाटोज भी बोला है, तो थोड़ा सा टैंगी ज़्यादा हो जाएगा या पता नहीं क्या है, बट मैंने यहाँ पे दही जितना बोला था मैंने उससे थोड़ा सा कम लिया है यहाँ पे दही, क्योंकि ये जो दही है मेरा खट्टा है थोड़ा। नींबू का जूस यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि 3-4 टेबलस्पून नींबू का जूस। बापरे, ज़्यादा खट्टा नहीं हो जाएगा, मैं एक ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि कुकिंग तो मतलब अंदाजा तो होता है ना कि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक ही नींबू का जूस ऐड कर रही हूँ। एक मतलब एक किलो भी नहीं है पूरा, तो मैं फिर ज़्यादा वो नहीं कर, ज़्यादा खट्टा हो गया फिर खाया नहीं जाएगा, बाद में ऐड कर सकते ऊपर से, बट फिर ज़्यादा हो गया तो फिर कैसे कम करें, तो मैंने बस इतना ही ऐड किया है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 ग्रीन चिली हरी मिर्च, अब ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, बट ये तीखा है, बच्चे खाएंगे, तो मैं 2 ही ऐड कर रही हूँ बस। सारी चीज़ों का भी मिक्स कर देते हैं। तो ये मैरिनेशन हो गया है, बस इसको 10-15 मिनट में छोड़ देती हूँ, देन इसको हम लोग कुक करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है करीब 3 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिए है, तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। बस ये मसाला भुनने के बाद ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है इसमें ऐड कर देंगे, बस इसको थोड़ा सा अभी भुनेंगे हाई फ्लेम में, जब तक मतलब दही से ऑयल भी निकलना स्टार्ट होगा। देन इसमें हम लोग टमाटर ऐड करेंगे, एंड जो बाकी का जो मसाला बच गया है ना वो भी इसमें ऐड करेंगे, बट थोड़ा सा इसको पहले कुक कर लें करीब 2-3 मिनट तक, देन बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे वो दही से पानी कितना निकला है, चिकन से भी पानी निकला होगा, तो इसी में ही ये कुक होने मतलब कुक होगा, तो बस इसको जब तक ये थोड़ा सा ड्राई नहीं होता है ना तब तक इसको कुक कर लेंगे, करीब आई थिंक 5-6 मिनट तो लग ही जाएगा इसको कुक कर होने में। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, एंड ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे पहले, देन इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो 2 यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको मैंने ऐड कर दिया है, आप चाहो तो इसको प्योरे बना के भी ऐड कर सकते हो। इसमें मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, मैंने चखा था तो उसी हिसाब से, एंड टमाटर भी ऐड किया है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड कर दी, एंड बाकी का जो मसाला बचा था ना अचारी मसाला वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, एंड अगेन टमाटर को यहाँ पे इसके साथ में चिकन के साथ में अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा ढक के कुक करूँगी ताकि टमाटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास ये अचारी गोश्त मसाला नहीं है देन आप घर पे भी आराम से इजीली अचारी मसाला जो है वो बना सकते हो। मैंने काफ़ी बार शेयर भी किया जब मैं अचार बनाती हूँ, या अचारी आलू वगैरह, अचारी मशरूम वगैरह, काफ़ी बार रेसिपी शेयर की, आप सर्च कर सकते हो, जैसे कलौंजी, सौंफ, ब्लैक पेपर, ये सब ऐड करके हम लोग अचारी मसाला बनाते हैं। मैंने चिकन में कभी ट्राई नहीं किया था, बट ये मुझे मिल गया ये अचारी गोश्त मसाला, तो मैंने इसको रेडीमेड वाला यूज़ कर लिया है, फिर कभी मैं घर पे वो अचारी मसाला बना के आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करूँगी। Still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Food is yummy. How you know it's a yummy? Yummy. How you know? Because it smells. It smells good. जब से चिकन बन रहा है एक बार हनी आ रहा है, एक बार बनी आ रहा है, एक बार जीत आ रहे हैं,
कि कब बनेगा कब। तो गाइस जीत भी अभी बोल रहे हैं कि वो चावल खाएंगे रोटी नहीं खाएंगे एंड बट रोटी के लिए ये बन के रेडी है। देखिए मतलब बिल्कुल थिक सा ग्रेवी है, ये बन के रेडी है। तो चावल के लिए मैं थोड़ा सा इसमें बस पानी ऐड करूँगी, बट ये दिख तो बहुत टेम्पटिंग रहा है, पता नहीं खाने में क्या होगा, दिख लेकिन बहुत टेम्पटिंग रहा है एंड तीखा भी ज़्यादा नहीं हुआ था तो मैंने और एक ग्रीन चिली दो और मैंने ऐड किया। नहीं भाई पानी ऐड करने की जरूरत नहीं, बिना पापा वैसे ही खाऊंगा मैं। ऐसे ही खाओगे? हाँ ये अच्छा लगता है। बार बार जीत आ रहे, हनी बनी आ रहे कि बना बना बनेगा और क्या कर सकते हैं। खुशबू क्यों मजा के रखी हुई है? तो चावल बना दे तू फटाफट खा लो फिर है? या क्या करोगे फटाफट फटाफट बना दे तो फटाफट खा लो। ठीक है सो गाइस यहाँ पे चिकन रेडी है, चावल बस बन रहा है, चावल बन जाएगा तो हम लोग जल्दी डिनर कर लेंगे। जीत को बच्चों सबको भूख लगी है, फिर ये खा के जीत आपको रिव्यू देंगे कि कैसा बना है। इसके बाद फिर हम लोग एक वॉक पे जाएंगे एंड मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि 17 जून को यहाँ पे दुबई में पहली बार हम लोग रोजो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वेन्यू वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, फिर भी एक बार और मैं आपको रिमाइंड कर दूं, मैं यहाँ पे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आपको स्टॉल वगैरह डालना है, पार्टिसिपेट करना है किसी भी इवेंट में, वो आप कर सकते हो। और नॉन ओडिया जो है वो मोस्ट वेलकम है, वो आके आप हमारा उड़ीसा कल्चर जो है इंजॉय कर सकते हो, उड़ीसा की जो डिलीशियस है वो ट्राई कर सकते हो, जो स्पेशली मिठाई वगैरह आ रहा है उड़ीसा से वो भी इंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ उड़ीसा से कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट भी आ रहे हैं तो उनसे भी आप मिल सकते हो। तो जरूर आना 17 जून को, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस ये क्या है, ये क्या फ्रिज खोल के तीनों कुछ ना कुछ किचन में कर रहे थे और तीनों के हाथ में एक एक चॉकलेट है। देखो मायरू व्हाट आर यू ईटिंग, किटकैट? नहीं वो कुछ और, उसने एक बड़ा चॉकलेट पकड़ रखा है और इन दोनों ने भी, ये तीनों तो इट्स गुड बट एवरीडे यू शुड नॉट ईट चॉकलेट ओके। मायरू बहुत पसंद करती है हनी बनी को, वो मतलब सिद्धार्थ विवान के साथ में नहीं खेलती है, उनके घर पे भी नहीं जाती है। यस बेबू को बहुत पसंद, यस जैसे सिद्धार्थ विवान के घर में भी नहीं जाती है मायरू, बस हमारे घर पे आते है हनी बनी के साथ में खेलती है ना लाइक और बेबो हमारी भी बेबो इसको मायरू को बहुत पसंद करती है और बेबो मायरू के घर पे ही जाती है ना। आराम करेंगे हम, आरंभ करो और बताओ कैसा बना है, पूरा सच सच ऑनेस्ट वाला बताना कैसा बना है। देख भाई क्योंकि मेरी रेसिपी नहीं है। फिर किसकी है? ये तो उसकी है मसाले की। देख भाई खुशबू और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो हनी बनी भी बार बार बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो खुशबू और शक्ल, शक्ल भी अच्छी है नो डाउट। बहुत जोरदार स्पाइसी बनाया हमारा, ओडिया वाला ज्यादा अच्छा है कि ये वाला अच्छा है? अलग अलग है, हाँ, दोनों अलग अलग टेस्ट है। 10 में से 8, 9, 9.5 मैं दे देता लेकिन इतनी तेज भूख लग रही है कि 0.5 तक एक्स्ट्रा मिला। सो गाइस जीत ने पास कर दिए, तो अगर आपको ये मसाला मिले तो आप ट्राई कर सकते हो। उससे कंपेयर नहीं कर सकते, वो डिफरेंट टेस्ट है। ये तो अचारी है ना, थोड़ा टैंगी सा होगा, चटपटा होगा ना, ये है ना अचारी है ना। सो गाइस अभी भूख लगी है सबको, तो हम लोग खाना एंजॉय करते हैं देन हम लोग वॉक पे जाएंगे, फिर हम लोग मिलते हैं आपको वहाँ पे, है ना। सो गाइस मैंने अभी चखा, सच में बहुत अच्छा है, बिल्कुल अचारी स्वाद आ रहा है। मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। नहीं नहीं मैं बस कुछ और बोल रही थी कि जैसे मतलब उस पैकेट में रेसिपी में लिखा ना कि 4 नींबू ऐड कर दो, 7-8 टमाटर ऐड कर दो, तो वैसा बिल्कुल ऐड मत करना क्योंकि फिर बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। जैसे मैंने 1 किलो करीब चिकन में 1 नींबू एंड 2 टमाटर मैंने ऐड किए, तो वैसा ही ऐड करके बनाना अगर आप वही मसाला ऐड करके बना रहे हो तो खराब नहीं होगा, लेकिन टेस्ट डेटोरेट होना शुरू हो जाएगा, टेस्ट थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसमें जो रेसिपी दिया ना उसमें से तो बहुत खट्टा हो जाएगा, दही भी टमाटर भी नींबू भी मतलब इतना, और अचारी मसाला भी इतना ऐड करोगे तो बहुत खट्टा हो जाएगा।
जैसे मैंने जितने क्वांटिटी में ऐड किया ना, अगर आप वो शान का मसाला यूज कर रहे हो तो उतने क्वांटिटी में ही ऐड करना, और इसमें पानी भी मत ऐड करना। दिस इज द वे इट इज। हाँ, पानी भी मत ऐड करना, बहुत अचार का झोल पी रहे अचार तो मतलब ऐसे बनाओगे तो स्टार्टर के लिए बहुत अच्छी रेसिपी और झटपट बन भी जाता है। तो चलिए गाइस, मैं भी थोड़ा खा लूँ, मुझे भी भूख लगी है। मिलते हैं आपसे बाहर जाते टाइम वॉक पे। ये तो पहले बाय बाय करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसका कार्टून मैंने पॉज किया हुआ है बात करने के लिए। थैंक यू, उनको इतना पसंद आया। बाय, आई लव यू। Yummy food? Yeah. You like it? Like it? Yeah. जब भी उनको खाना पसंद आता है ना, जब भी मैं बनाती हूँ, फटाक से आएंगे, हग करेंगे, किस करेंगे। तभी तो तीन बार ये गए और चार बार मैं गया था किचन में चेक करने। बट आपने हग किस नहीं किया? मैं कर देता तो तेरे साले ज्यादा वो हो जाती। क्या हो जाती? अगली बार तो अच्छा नहीं बनाती फिर। अच्छा जी, इसलिए मैं थोड़ा सा मेंटेन करता हूँ। इस काम करने के लिए लैपटॉप पकड़ के बैठे, उधर हनी बनी का वीडियो गेम बैठ के खेले जा रहे हैं। पकड़ा गया मुझे, मैं क्या करूं? वो आपको पकड़ा गया? ओहो, मैं मना करता रहा उसको। अच्छा जी, तो आप साइड में रख दो नीचे। मैंने वही किया, लेकिन ये मारियो मेरे को जबरदस्ती बोला कि भाई मुझे प्लीज पार करा दो, हनी बनी करा नहीं पा रहे। देखो मस्त लग रहा है बिना मरे में तीन राउंड तक। मायरू देख नहीं पा रहे हो? यू कैंट सी? मायरू को जगह दो, उसको भी देखना है। अब काम कर लो, फिर चलेंगे हम। मैं चल लूं तो भाई, मैं जैसे एक एक जिंदगी में एक बार पहली बार पकड़ा मैंने खेलने के लिए। ओए भगवान, जिंदगी में पहली बार डेली खेलते हो आप? तो सुनो, उनसे ज्यादा आप खेलते हो। अरे नहीं खेलता भाई मैं, सच में। अच्छा, मैं बहुत दिन के बाद पकड़ा है, सीरियसली। मैं अपने आप को मैंने बनी गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर। रेड, आई नो, आई मूव अंगुली कर चुका हूं। कौन? रेड। बच्चा कितना परेशान होता है बच्चा, मतलब बनी इतना परेशान होता है। डैडा आपके डार्क सर्कल्स आ गए हैं, पूछता है डैडा व्हाई दिस इज ब्लैक, व्हाई द रेड। इसको बोल मैं वो नाड़ा बंधवाना है ना, बट डैडा इज देयर सिंस सो लॉन्ग, बट अभी से नाड़ा ही आता है। नो, मैं हल्का में जादू से वीडियो में थोड़ा चेस करता रहता हूं। मैंने बोला, मैं ओके, वो बोला मैं गुड बच्चा, ऐसे मैंने गुड बोल दिया ना, फटाक से आंख में फटाक से, बहुत इमोशनल है। मतलब थोड़ा चेंज कर दिया कि नहीं नहीं, मैंने मारियो की बात करनी शुरू कर दी। मतलब दोनों को अगर आप कभी ऐसे बोल देते हो ना कि यू डोंट लव मामा डैडा एनीमोर ऐसे, तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। दोनों की आंखों में पानी आ जाता है कि मतलब ऐसा कैसे बोल दिया कि हम तो इतना प्यार करते हैं। दोनों ही इमोशनल है, मतलब उनको कैसे स्ट्रांग बना यार ये दोनों। मेन बात है कि उनके लिए लोग ही वो दोनों है, क्योंकि मैं जिसको एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरा इमोशन जिससे लगा रहता है, वो जब मेरे को कुछ करता है ना, और तो मेरे को बहुत, तो दे बोथ आर इमोशनल विद देम। इमोशन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, दिस इज व्हाट लीड्स यू टू, आप अपने अपनों से, पापा मम्मी भाई बहन बीवी बच्चा दादा दादी, इमोशनली कनेक्ट हो। आप किसी स्ट्रेंजर को देखते हो, थोड़ी कोई कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। आप जैसे देखते हो कोई पुराना दोस्त अचानक फोन आ जाए, अरे भाई इमोशन, मेरे को उसे पुराने दोस्त याद आ, मेरे को अपने पुराने दोस्त को फोन करना है, उससे बात हुई थी। कौन, किस से, विकास से? तो चलिए गाइस, हम लोग अभी वॉक पे जा रहे हैं, एंड थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ मनखुल पार्क, नो ऐसे तो, और कुछ काम है तो वही लेने के लिए जा रहे हैं। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, तो से बाय बाय, हनी से बाय, चले तो आगे। बाय गाइस। वो अपने चूहे के साथ में खेल रही है, ये देखो उसका चूहा पकड़ा हुआ है और खेल रहा है। Not chua. Then what? No. Mama, I will what?